हम सब मिल करके अपने प्राण घन श्यामा श्याम से प्रार्थना करेंगे। यद्यपि संसार का चिंतन करने से, संसार पर भरोसा करने से, संसार को अपना स्वीकार करने से जीवन में भय बना रहता है। हाँ, सबको अपना मान करके बैठे हैं कि ये हमारा दुख में साथ देगा, ये हमारी विपत्ति में साथ देगा, ये हमारा तब साथ देगा, ये हमारा अपना है, ये हमें छोड़ करके नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि संसार में जितना हम अपने को डुबोते जाएंगे उतना भय हमारा बढ़ता जाएगा, और कहीं यही नाता, यही संबंध युगल के साथ हो जाए कि संसार में हम रहते हैं, संसार के जीवों से हम सुंदर व्यवहार करते हैं क्योंकि ये भी ठाकुर के बनाए हुए हैं, लेकिन मेरा विश्वास संसार के प्रति नहीं है, मेरा विश्वास तो मेरे श्यामा श्याम के प्रति है, मेरा विश्वास तो मेरे युगल के प्रति है, मेरा विश्वास तो मेरे सदगुरु के प्रति है, तो वही भय अभय में परिवर्तित हो जाता है। संसार के भय से उस अभय होना चाहते हो तो एकमात्र बस उपाय है, एकमात्र साधन है, एकमात्र मार्ग है, हम जैसे भी हैं शीघ्र, कल नहीं, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, बहुत देर तक विचार विमर्श सोचने में समय नहीं गंवाना है कि हाँ कल से हम भक्ति में जुड़ेंगे, कल से हम ठाकुर की सेवा में जुड़ेंगे। जिस पल हृदय में आ जाए कि बस अब हम अपने श्यामा श्याम का होना चाहते हैं, उसी क्षण अपने मन से प्रिया प्रीतम के बन जाना, श्री ठाकुर जी के बन जाना, श्री श्यामा जी के बन जाना, और जो श्यामा जी के हो गए, जो श्री लाल जी के हो गए, फिर उसको चिंता नहीं होती है, उसकी डेफिनेशन ही बदल जाती है, उसकी परिभाषा ही बदल जाती है। फिर वो कहता है हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारे प्राण के रक्षक वृंदावन बांके बिहारी है, वृंदावन बांके बिहारी। तो आओ, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको संसार का चिंतन नहीं करना है, हर परिस्थिति में हमें अपने प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए ठाकुर से कहना है, ओ हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नितवासी जो गोकुल गांव का है, बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में ये जीवन ही किस काम का है, जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, हो तेरा नाम लिया।
जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, ओ तेरा नाम लिया, हो गिरने दिया ना तुमने मुझको, गिरने दिया ना तुमने मुझको, आकर थाम लिया, हाँ आकर थाम लिया, जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, ओ जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, गिरने दिया ना तुमने मुझको, आकर थाम लिया, आकर थाम लिया, ओ गिरने दिया ना तुमने मुझको, आकर थाम लिया, जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, हाँ तेरा नाम लिया, जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम, हाथ उठा के पुकारे सावरे
कितना तेरा करूं शुक्रिया, तेरा नाम लिया। प्यार दिया मुझे तुमने इतना, तेरा करूं शुक्रिया, तेरा नाम लिया। मात्र भगवान के विषय में इतना जानना ही सब कुछ नहीं है कि भगवान दुष्टों का संहार करते हैं, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, यह सब तो है ही, लेकिन इन लीलाओं से भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है कि वो सर्व समर्थ हैं। लेकिन अगर भगवान के स्वभाव से परिचित होना चाहते हो कि मेरे ठाकुर का स्वभाव कैसा है, मेरे गोविंद का स्वभाव कैसा है, तो भगवान के चरित्रों के साथ साथ आपको भक्तों के चरित्रों को श्रवण करना पड़ेगा, भक्तों की कथाएं सुननी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि भगवान का स्वभाव कैसा है। जो भगवान किसी के बंधन में नहीं बंधते, जो भगवान किसी के बंधन में नहीं आते, वो भगवान एकमात्र भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। मैं याद करूं महाराष्ट्र की वो परम भक्ता सखूबाई को, जो नित्य निरंतर अपने ठाकुर को पुकारती रहती है, माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा विठ्ठल, मेरे तो केवल विठ्ठल ही हैं, मेरे तो केवल गोविंद ही हैं। और विवाह के बाद ससुराल में आई और ससुराल अनुकूल नहीं मिला सखूबाई को। प्राय ऐसा देखा जाता है जी, अगर घर में कोई भक्त निकल जाए तो उस भक्त को बहुत सी परीक्षाएं बहुत सी कठिनाइयों का सामना देना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि भक्त के अनुकूल सामने वाला ढलना नहीं चाहता। हमको सड़क पर खड़े होते हुए नाना प्रकार के जो गलत कार्य हैं वो करते हुए शर्म नहीं आती। आप देखो सड़क पर खड़े होकर के लोग क्या क्या करते, हम अपनी वाणी से नाम नहीं लेंगे, पान वाले की दुकान पर खड़े होकर के क्या क्या नहीं करते, किंतु उन कार्यों को करने में बड़ी भरी सड़क पर शर्म नहीं आएगी, लेकिन माथे पर तिलक लगाकर निकलने में लोगों को शर्म आती है। हाँ, फटे हुए ब्रांडेड कपड़े पहनने में लोगों को शर्म नहीं आती है, क्षमा करना मेरी माताएं बहने, फटे हुए कपड़ों को पहन करके सड़क पर निकलने में शर्म नहीं आती है, क्यों, वो स्टेटस सिंबल बन गया है, ब्रांडेड है जी। जो काम हमारी परंपरा थी, फटे पुराने कपड़े गरीबों को दे दिया जाता था, आज वही फटे हुए कपड़े मॉल से खरीद करके पहन करके हम सोचते हैं बहुत एडवांस हो गए। फटे पुराने कपड़े पहनने पर शर्म नहीं आती है, लेकिन धोती कुर्ता पहन करके नाम संकीर्तन करते हुए चलने में लोगों को शर्म आती है। फिर कहते हैं कि भगवान साथ नहीं देते, फिर कहते हैं भगवान हमारे, अरे तुम भगवान के बने ही कहा हो, तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया है कि जो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाए। ये भक्त का स्वरूप अपना नहीं है, ये भक्त का स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए धारण किया जाता है। ये भक्त का स्वरूप माथे पर तिलक कंठ में कंठी यह सात्विक वेश यह साधारण नहीं है, ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए यह गुरु सदगुरु कृपा करके वो भगवान का वेश भक्त को देते, तब वो भक्त केवल साधारण मानव नहीं कहलाता है, फिर उसे लोग वैष्णव कहने लगते हैं। वैष्णव का अर्थ जो उसका हो गया, जो उसका बन गया, एक मोहर लग गई उस पर कि ठाकुर का हो गया। तो सखूबाई को अनुकूलता नहीं मिली परिवार में, उसकी भक्ति से सब परेशान, लेकिन फिर भी घर का सब कार्यकाज करते हुए रात्रि को जितना समय बचता सब काम से, काम को करने के बाद उसमें अपने गोविंद को दो घड़ी याद करती और आंसू बहाती, हे गोविंद क्या मेरे भाग्य में आपके दर्शनों का सुख नहीं है, क्या मैं कभी पंडरपुर जाकर के आपके दर्शनों को नहीं कर सकती, क्या मेरे भाग्य में कभी भी आपका दर्शन नहीं लिखा है। और प्रेमियों, भगवान सब कुछ देख सकते हैं, भगवान भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते। प्रार्थना करते करते रोती रहे,
चंद्रभागा नदी पर जल भरने के लिए गई तो देखा कुछ वैष्णव लोग कीर्तन करते हुए पंडरपुर की यात्रा में जा रहे हैं। सकू ने कहा कि अगर घर वालों से इस बार भी पूछा तो जाने नहीं देंगे। बिना किसी को बताए उन संतों की मंडली में कीर्तन करते हुए चलने लगी। किसी पड़ोसन ने देख लिया, घर तक खबर कर दी कि तुम्हारे घर की बहू तो उन संतों के साथ कीर्तन करती हुई जाने कहाँ जा रही है। पति पहुंचा है और वहीं से बालों से पकड़ करके मारता पीटता हुआ घर तक लाया है। अब भगवान के स्वभाव का दर्शन करना। और ला करके सास ने कहा कि इसे इस कोठरी में बंद कर दो। और पति ने उस झोपड़ी में, उस कोठरी में खंबा था, उस खंबे से सकूबाई को बांध दिया और बाहर से ताला लगा दिया। 3 दिन हो गए भूखे प्यासे बंधी हुई, लेकिन उसको इस बात का कष्ट नहीं कि मुझको भोजन नहीं मिला, उसे इस बात का कष्ट नहीं कि मुझे पानी नहीं मिला, उसे इस बात का कष्ट नहीं कि मुझे ऐसा प्रताड़ित किया गया। उसको एक बात का कष्ट है, गोविंद मैं तुम्हारे दरबार तक नहीं पहुंच पाई, प्यारे मैं तुम्हें दर्शन करने के लिए तेरी चौखट तक नहीं पहुंच पाई। 3 दिन तक रोती रही, ठाकुर भी कब तक देखते आखिर भक्त की आंसू। कहते हैं श्री ठाकुर जी साक्षात उस कोठरी में, उस झोपड़ी में प्रकट हुए हैं। सकूबाई का बंधन खोला है, सकूबाई को तो मुक्त करके कहा जा पंडरपुर जाकर के मेरा दर्शन कर और मेरे गोविंद सकूबाई का रूप धारण करके उस कोठरी में रस्सी से बंध करके खड़े हुए। अपने आप को गोविंद ने उस खंबे से बांध लिया है, अपने भक्त का रूप धारण कर लिया है। सकूबाई बनकर के गोविंद तो बंध गए हैं और सकूबाई ठाकुर के दर्शनों के लिए पंडरपुर की ओर चली गई है। ये भगवान का स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव का परिचय जब ही मिलेगा जब हम उनके बन पाएंगे, जब उनके हो पाएंगे। हमें वो कार्य नहीं करना है जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो कार्य करना है जो इन्हें अच्छा लगता है, जिनसे इनको सुख मिलता है। तब जाकर पुकार सुनी जाती है, तब प्रेमी हृदय कहता है दोनों हाथ उठाए पर भाव से गाओ, हे सांवरे 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 इस जग में नहीं कोई हमारा, 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 मिल ही गया मुझे साथ तुम्हारा, मिल ही गया मुझे साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, मिल ही गया मुझे साथ तुम्हारा, तुमने दिया पग पग पे सहारा इस दिल के उजड़े गुलशन को, फिर महका ही दिया तेरा नाम लिया। फिर महका ही दिया।
जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। ओ, 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 ओ। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, अब इस दिल में तू ही समाया। चित्र विचित्र को अपने प्रेम में तुमने पागल किया, तेरा नाम लिया। ओ, चित्र विचित्र को अपने प्रेम में तुमने पागल किया, तेरा नाम लिया। हो जब जब दुख में घबरा के मैंने पुकारिए, हे सांवरे 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 सांवरे, हे सांवरे 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 जब दुख में घबरा के पुकारिए तेरा नाम लिया, हो तेरा नाम लिया। ओ, गिरने दिया ना तुमने मुझको, आकर था बड़े प्रेम से पुकारिए ना ठाकुर को, दोनों भुजा उठाकर पुकारो। हे सांवरे
सांवरे सांवरे जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री हरिदास। श्री हरिदास क्या बोलना है? अभी वो चंडीगढ़ वाली आवाज नहीं आई है, थोड़ा और उमंग में, थोड़ा और उत्साह में बोलें।